गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस जीके क्लास इज फॉर क्लास 7, चैप्टर क्विक क्विज 1। इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन, दुनिया की पहली अंतरिक्ष केंद्र कौन सा था। सैल्यूट वाज वन द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन। सैल्यूट वन दुनिया की सबसे पहला अंतरिक्ष केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द ओनली एप डैट कैन स्टैंड अपराइट एंड वॉक, कौन सा वो लंगूर है जो कि सीधा खड़ा हो सकता है और चल सकता है। द गिबन इज द ओनली एप डैट कैन स्टैंड अपराइट एंड वॉक, गिबन ही एकमात्र लंगूर है जो कि सीधा खड़ा हो सकता है और चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द ओनली एशियन कंट्री थ्रू विच द इक्वेटर पासेज, कौन सा वो एशिया के देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। इंडोनेशिया इज द ओनली एशियन कंट्री थ्रू विच द इक्वेटर पासेज, इंडोनेशिया ही एकमात्र वह देश है जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर हैज यूपी सेट अप एन उर्दू यूनिवर्सिटी, यूपी ने कहाँ एक उर्दू विश्वविद्यालय स्थापना किया है। आंसर, विच इज यूपी हैज सेट अप एन उर्दू यूनिवर्सिटी एट रामपुर, यूपी एक उर्दू विश्वविद्यालय रामपुर में स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह क्या है। द सिंबल ऑफ बहुजन समाज पार्टी इज द एलिफेंट, बहुजन समाज पार्टी के चिन्ह हाथी है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर द लीड रोल इन द हिंदी मूवी राजधानी एक्सप्रेस, कौन सा भारत के वह प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है जो कि फिल्म राजधानी एक्सप्रेस में मुख्य भूमिका निभाए थे। द फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस हैज प्लेड द लीड रोल इन हिंदी मूवी राजधानी एक्सप्रेस, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिएंडर पेस हिंदी फिल्म राजधानी एक्सप्रेस में मुख्य भूमिका निभाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कम से कम कितना उम्र होना चाहिए किसी व्यक्ति का भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए। आंसर, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। थैंक यू, होप यू ऑल विल रिमेंबर दिस क्वेश्चन आंसर फॉर योर होमवर्क। आई विल कम अगेन इन नेक्स्ट क्लास।